गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात करेंगे रूट के बारे में, राइट? रूट्स क्या होते हैं, राइट? लास्ट टाइम अपन ने देखा था कि एनिमल का सीड, राइट? सीड था, सीड के अंदर जो है ये एम्ब्रियो है। व्हाट इज इट? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज प्लूमू, नीचे वाला रीजन था क्या? रेडिकल। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज रूट। इट मीन्स जमीन का वो पार्ट प्लांट का वो पार्ट जो कि जमीन के नीचे पाया जाता है, दैट पार्ट इज नोन एज रूट। आई एम सेइंग कि प्लांट का वो पार्ट जो कि जमीन के नीचे पाया जाता है, अंडर द ग्राउंड पाया जाता है, दैट पार्ट इज नोन एज रूट। रूट्स आर बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल। सीड्स को खेत में डालने के बाद में ही हमेशा किसे डेवलप होती है? रेडिकल से डेवलप होती है, राइट? रूट्स के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं अपन। इट मीन्स रूट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर नंबर वन आता है रूट्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक। रूट्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक, सिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट। Non-photosynthetic part of plant. Number second, roots are found below the ground. Below the ground. Roots जो है जमीन के नीचे पाई जाती हैं। नेक्स्ट लिखेंगे रूट्स आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, सॉरी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। इट मीन्स रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव फोटो जियोट्रॉपिक होती है, इन द सेंस दे मूव टूवर्ड द ग्रेविटी, राइट? एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है, मतलब कि लाइट के डायरेक्शन के अंदर कभी भी ग्रोथ नहीं करती है, राइट? ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। ओके, रूट्स जो हैं इनके अंदर फाइव स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, दोज आर नॉन एज रूट हेयर्स। Root has very fine are known as root hairs. Alright, roots जो है water minerals को absorb करती हैं। Roots perform the function of absorption of water and mineral. Right? Listen. If we talk about roots
जो है नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होती है, इट मींस फोटोसिंथेसिस के अंदर ये कोई रोल प्ले नहीं करती है। सेकंड, रूट्स जो है वो ग्राउंड के नीचे पाई जाती है, दे आर फाउंड बिलो द ग्राउंड। नेक्स्ट, रूट्स जो है पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, मतलब कि अर्थ के सेंटर की तरफ जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है। नेगेटिव फोटोट्रोपिक होती है, इन द सेंस लाइट की तरफ जो है कभी भी मूव नहीं करती है। रूट्स जो है इनके अंदर बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं रूट हेयर्स। ऑलराइट, रूट जो है इनका बेसिक फंक्शन होता है टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कि रूट हेयर्स के थ्रू होता है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो है जो कि रूट्स के अंदर पाई जाती है, और रूट जो है बेसिकली अंडरग्राउंड पार्ट होती है प्लांट का। ऑलराइट, जो कि किससे डेवलप होती है, रेडिकल से डेवलप होती है। आई होप आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है समझ में आ गए होंगे रूट के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विल टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ रूट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।